रहोगी। अपने अतिरिक्त सुख की डोर किसी अन्य से मत बांध देना। अपना सुख पराया मत करो। पराया सुख, ध्यान भी पराया सुख है, समाधि भी पराया सुख है। किसी के माध्यम से सुख मिल रहा है वो सुख तुम्हारा नहीं, वो पराया है। कोई देवी देवता, कोई ज्योति, किसी के माध्यम से, तो फिर तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं। तो तुम परमात्मा का सुख को, आनंद को पराया मत बनाओ, तुम उसे अपना बनाओ कि मेरा ही सुख है। सुषुप्ति में कहाँ से आया था, कौन देवता दे गया था, कौन देवी दे गई थी, कौन स्त्री, कौन पति, कौन धन संपत्ति ने सुख दिया था, वहाँ अपना सुख था। यही अपना सुख को तुम दिन में विचारो कि वहाँ मेरे अलावा कोई नहीं था, केवल मैं था और आनंद था, तो वही तो मैं अभी भी हूँ। वो मर नहीं गया, सुषुप्ति वाला मैं मरा नहीं, वो बदल नहीं गया, कहीं चला नहीं गया, वही तो अभी जागृत में आया है। और ये जो जागृत में आया है यही तो स्वप्न में जाता है, और जो स्वप्न में जाता है वही सुषुप्ति में जाता है। तो ये बदल नहीं रहा, जागृत बदल जाता है, स्वप्न बदल जाता है, सुषुप्ति बदल जाती है, अवस्थाएं बदल जाती है, क्रियाएं बदल जाती है, लेकिन वो नहीं बदलता। तो वो जो सुषुप्ति में था आनंद रूप, वही मैं अभी हूँ। मैं दुख को क्यों स्वीकार करूंगा, दुख मेरा स्वभाव नहीं है। दुख स्वभाव है मन का, मन के होने से यह दुख मनाएगा, पर मैं तो इससे अलग हूँ। जिसने पति पत्नी पुत्र घर से संबंध तोड़ लिया है, लेकिन झोपड़ी आश्रम गुरु गुरुमा शिष्य से संबंध जोड़ लिया, तो यह भी एक बड़ा बंधन है। घर से परिवार से संबंध तोड़ लेते हैं, बाबा बन गए, संन्यास ले लिया, अब क्या हुआ, अब संसार दूसरे ढंग से बढ़ेगा। ये हमारे धर्म पिताजी हैं, ये हमारी धर्म माता जी है, क्यों, वे करोड़पति हैं, वे लखपति हैं, दो चार गाड़ियां हैं, नौकर हैं, तो उनसे अपनापन जोड़ के रखना है। ये हमारी धर्म बहन है, ये हमारे धर्म भैया हैं, अब ये हमारे पुत्र पुत्री नहीं तो शिष्य शिष्याओं की जमात इकट्ठी कर लेते हैं, उनसे प्रीति सीधी नहीं बैठा जाता, क्या कर रही थी तुम इधर, फिर ये क्यों हाथ धुल रहे थे, जवाब दो, सीधे बैठो, क्या ऐसे हंकार पे जा रही थी, कोई संगीत निकल रहा था। अपना घर छोड़ा, झोपड़ी बना ली, फिर गाय रख ली, फिर नौकर रख ली, पूरा संसार खो जाता। इसलिए कोई प्रकार की मन में इच्छा, कोई प्रकार की वासना मत करो, केवल एक परमात्मा का ही बस मन में लक्ष्य बनाओ कि मुझे जीवन मिला है इसी को पाने के लिए, इसी को पाने के लिए, और मुझे कुछ नहीं। इसीलिए हर रिश्ते को काट दो। लक्ष्मण ने कहा, गुरु पितु मात न जाने का, न मैं जानता हूँ कौन पिता है, कौन माता है, कौन गुरु है, गुरु भी नहीं, गुरु पितु मात न जाने, मोरे प्रभु तुम ही एक स्वामी, तीन बंधु गुर अंतर्यामी, मेरे तुम ही, तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व, तुम्हें व बंधु च सखा तुम्हें व, तुम्हें व विद्या द्रोणम तुम्हें व, तुम्हें व सर्वम मम गुरुदेव देव, मेरे भगवान तुम सर, एक उन्हीं से रिश्ता जोड़ो, बाकी सारे रिश्ते तोड़ दो। अनन्याश्चिंतन तो माम यजना पर्युपास्ते, तो जो मेरा अनन्य चिंतन करता है मैं भी उसको अनन्य प्रेम करता हूँ। सच्चा गुरु वही जो अपने शिष्य को अपने शिष्यत्व से हटा, शिष्य को उसकी आत्मा में जोड़ दे। जो तो देखो,
माला करना कोई बुरा नहीं, पूजा करना भी बुरा नहीं, मंदिर जाना भी बुरा नहीं, आरती करना भी बुरा नहीं, कीर्तन करना भी बुरा नहीं, तीर्थ करना भी बुरा नहीं, शास्त्र पढ़ना भी बुरा नहीं, पर ये मंदिर, ये माला, ये पूजा कब बुरे हैं? जब ये अपने में उलझा कर रखे, तो गुरु भी बंधन रूप, तीर्थ भी बंधन रूप, मंदिर भी बंधन रूप, पूजा माला आरती कीर्तन सब बंधन रूप है। और ये कब सार्थक हो जाएंगे? जब माला अपने से हटाकर तुम्हारे में जोड़ दे, पूजा तुम्हारे को मंदिर से हटाकर तुम्हारे में जोड़ दे, गुरु अपने से हटाकर तुम्हारा तुम में जोड़ दे, तो गुरु भी धन्य है, तीर्थ भी धन्य है, मंदिर भी धन्य है, मूर्ति पूजा ग्रंथ सब धन्य 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 है। कब? जब ये तुम्हारे से तुमको मिला दे और तुम्हारे से ही तुमको भटका दे, चाहे रामायण हो कि गीता की भागवत, वो त्याज्य है, वो वंदनीय नहीं, वो स्वीकार करने योग्य, जो तुमसे हटा दे तुमको और अपने में उलझा ले, सत्संग में जाने न दे और बस पढ़ते रहो गीता, सत्संग में जाने न दे और पढ़ते रहो रामायण, सत्संग में ना जाने दे और गुरु लगा दे मेरे पौधों को, हाँ पानी पिलाते रहो, हाँ मैं यहाँ झाड़ू लगाते रहो, ये पोछ पोछा धोते रहो, अच्छे अच्छे खाना बना बना कर मुझे देते रहो, वो गुरु तुम्हें नरक ले जाने वाला है। ये जीवन इसलिए थोड़ी मिला कि गुरु को जाकर नई नई अच्छी अच्छी चीजें खिलाए, ज्यादा ज्यादा खिलाए, हैं घर की खूब झाड़ू पोछा सफाई कर दे, कपड़े धो दे, हाथ पैर दबा दे, तेल मालिश कर दे, इसलिए नहीं है जीवन। ये जीवन मिला है केवल आत्मज्ञान पाने के लिए, लेकिन लोगों ने उसका तो ध्यान छोड़ दिया, बस गुरु जी को ये चीज अच्छी लगती है, गुरु जी को ये चीज है, दिन में 50 चीजें बनाकर खिलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा खिलाएंगे। कि जितने बाबाओं को डायबिटीज है उसका एक कारण ये देवियों की कृपा है, जितने बाबाओं को डायबिटीज है ये की कृपा है, देवियों की कृपा, क्योंकि अधिक से अधिक घी, अधिक से अधिक मीठा खिला खिला कर उनका टोन भी बढ़ जाती है मटके, और डायबिटीज तो हो ही जाता है। तो ये इनकी भक्ति बस इसी में है कि बस अच्छा बना बना के ज्यादा से ज्यादा खिलाना और ऊपरी काम करना, ये काम गौण है, इन कामों के करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ज्ञान में रुचि करो, ज्ञान पाने में श्रद्धा करो, तभी कल्याण होगा, नहीं तो संसार की समस्त वासनाएं धीरे धीरे गुरु के प्रति लग जाती है, गुरु के संग जुड़ जाती है, तुम्हारा मोह गुरु पर लग जाता है और अपना आत्म स्वरूप जो जानने योग्य था वह जानने से बाकी रह जाता। जैसे जैसे वासना गिरती जाती है उसी अनुपात उसे उन बंधनों से मुक्ति मिलती जाती है, वह आत्मभाव की वृद्धि एवं तृप्ति हो जाती है। जैसे जैसे सत्य अनुभव में आने लगता है, दिखाई पड़ता है, वैसे वैसे संसार के संबंध टूटते जाते हैं। तुम्हारा जितना जितना मन आत्मा की ओर खींचेगा उतना उतना संसार से अपने आप टूटता जाए, उधर उसमें आसक्ति नहीं होगी, उसके पास बैठने की, जाने की, बात करने की मन नहीं कहेगा, क्या करेंगे, जाकर फालतू बात होगी, संसार की बात होगी, इधर की होगी, हटने में रुचि रखता है। और परमात्मा की तरफ मन खिंचाव नहीं तो उसके घर में घुसेगा, उसके घर में घुसेगा, उससे बात करेगा, उसको हाँ बुलाएगा, इसी में उसका जीवन चला रहता है। तो जिसका मन जितना परमात्मा में लगता है संसार से उतना मन उसका हटता चला जाता है। ये पहचान है अपने मन की कि तुम्हारे मन का झुकाव लगाओ किस ओर है, भोगों की तरफ, संसार की तरफ है कि परमात्मा के तरफ है। तृष्णा का नाश हो जाना ही मुक्ति है, बाहरी संसार से तृष्णा जोड़ने से
भीतर बहुमूल्य छिपा खजाना वह दिखने लगता है, उसी से जीव की तुष्टि मिलेगी। फिर से पढ़ो। तृष्णा का नाश हो जाना ही मुक्ति है। बाहरी संसार से तृष्णा छोड़ने से जो भीतर बहुमूल्य छिपा खजाना है वह दिखने लगता है। तो बाहर के जो अनित्य भोग पदार्थ हैं, इनसे वैराग्य होगा, तभी अंदर जो छुपा है बहुमूल्य हीरा, आत्म हीरा, उसके तरफ मन आकर्षित होने लगेगा। पर अगर तुम्हारा बाहर के पदार्थों में ही मन अटका रहेगा तो अंदर की तरफ मन जाएगा ही नहीं, बाहर के ही नाम रूप संसार में अंदर खिंचाव रहेगा। इसलिए उधर से हटे तो इधर जुड़े, उधर से जितना जितना हटेगा इधर उतना उतना जुड़ेगा। ऐसी अवस्था आ जाए जैसे संसार में 90%, परमात्मा में 10%, फिर बड़ा वैराग्य। तो संसार में 80% मन है तो भगवान में परमात्मा में 20% लगने को लगा, फिर बढ़कर संसार में 70% तो परमात्मा में 30%, फिर बढ़कर परमात्मा में 60% तो संसार में 40%। अब बराबर की स्थिति आ रही है, इधर भी 50 और इधर भी 50, तो अब इधर का एक भी बढ़ जाएगा तो इधर हो जाएगा 60 और इधर हो जाएगा 40। अब संसार में 40% रहेगा, परमात्मा में 60%, फिर बढ़ेगा 70% संसार में, 30% फिर उधर, 80% परमात्मा में, संसार में 20% और इधर 90% संसार में। अब उधर से इधर खींच के लाना पड़ेगा, परमात्मा में से मन को संसार में खींच के लाना पड़ेगा कि चाहे लड़की की शादी हो कि लड़के का शादी हो कि मकान बनाना। पहले क्या था कि संसार से मन खींच कर सत्संग में लाते थे, फिर भाग जाता था, तब हमारे मन स्प्रिंग संसार में बंधी थी और मन स्प्रिंग को खींच कर, मन रबर को खींच कर इधर लाए और जरा ढील मिली थर से उधर चिपक जाती थी, फिर खींच कर लाए। तो पहले संसार में मन बंधा था, वहां से खींच कर परमात्मा में लाते थे, अब हमारा मन संसार में नहीं परमात्मा में बंध गया, अब संसार में खींच के लाना पड़ता है, अब और रुकता नहीं, किया काम की खट से इधर, किया काम के खट से इधर, ज्यादा देर उधर रुकने की इच्छा नहीं होती है। पूछो सुकान को अपने क्वार्टर में कितनी देर रुचे, गया के भागकर फिर आ जाता है और अब वहां रुकने की इच्छा नहीं होती है, मन खींच के ले जाना पड़ता है, बरबस ले जाना पड़ता है। अब संसार से मन हमारा उपराम हो गया, पता लग जाता है, देखा जाता है। गुरु का शरीर छूट जाने के बाद भक्त लोग उनकी खड़ाऊ, बाल, हार, नाखून, दांत, चश्मा, लाठी, लोटा, ग्लास, थाली, खाट, बिस्तर, बर्तन, आसन, कंगा आदि संभाल कर रखते हैं। जीवित संतति तो जो वाणी थी उसका उपयोग लिया नहीं, जब वो संत चले जाते हैं तब फिर उनके ग्रंथ को, साहित्य को फिर ढूंढ ढूंढ कर उसकी पूजा करते हैं। ग्रंथ में क्या लिखा है उसको तो नहीं ध्यान में दिया, ग्रंथ की पूजा करते हैं। और फिर उनके खड़ाऊ जिसको पैर के अंदर डालते थे, कोई उसको, कोई उनके चादर को, कोई गद्दे को, तो कोई माला को, कोई शंख को, वो जो जो उपयोग में लाते थे उसकी नीलामी होती है। जीवित में नहीं इतना रुपया मिला, मरने के बाद में उनकी लिंगोट की भी नीलामी है, लिंगोट भी कोई 1 करोड़ में ले जाता है, कोई 50,000 में, कोई चप्पल जूता उनका लेता है, ऐसे बाल समेत
संभाल कर रखते हैं, कोई दांत संभाल के रखते हैं। अब ये बाल, ये दांत, ये चप्पल क्या ज्ञान देगी? क्या ये कल्याण जीवित अवस्था में उनसे कल्याण नहीं ले पाए? अब इन सामान को संभाल संभाल कर रखे बैठे हैं कि हमारे पास तो गुरु जी के बाल हैं, गुरु जी के नाखून भी नहीं फेंकते, वो भी हमारे पास रखे हैं चांदी की डब्बी में संभाल कर, नाखून को भी रखे हुए हैं। तो ऐसी चीजें रखते हैं, पर यह अंधश्रद्धा ही कहलाएगी। ज्ञान बिना मुक्ति अन्य किसी साधन से नहीं है। गुरु की लिंगोट, धोती, कुर्ता आदि को आश्रम या घर में संभाल कर रखते हैं, पर उनके दिए उपदेशों को कोई अपने मन बुद्धि में संभाल कर नहीं रखते हैं। प्रतिदिन जीवित अवस्था में गुरु जी जिन जिन सामग्रियों की उपयोग करते थे, गुरु देहांत के बाद अब मृतक स्मारक स्थल पर शिष्य प्रतिदिन वही सामग्री अर्पित करते हैं। वहाँ कोई खाने वाला नहीं, फिर भी उसकी ओर दिखा कर रख कर स्वयं उपयोग कर लेते हैं। भात, रोटी, दाल, दूध, चाय, रस, जल, स्नानादि की क्रिया करते हैं, किंतु उनके कमरे में लेटिन बाथरूम अटैच नहीं होता है। अब वो तो जिंदा नहीं है, फिर भी शरीर की जो समाधि बना दी है, तो गाय की चमड़ा, गाय की पूंछ काट कर, जिंदा चमड़ा गाय, कभी मौका आए तो YouTube में देख लेना, चाहे वो सरदारों का गुरुद्वारा हो, ग्रंथ साहब हो, कि मंदिर तुम्हारे रामकृष्ण के भगवान या तुम्हारे गुरु के ऊपर चंवर लगाए जाते, चंवर दोनों तरफ से दो चंवर, तो वो दो जिंदा गायों की पूंछ काट कर और उसका चंवर ढुलाया जाता है। अब बताओ इसमें कौन सा तुम्हारा सत्यता है, कौन सा ज्ञान इसमें है, इसमें कौन सी मुक्ति है? लेकिन ऐसे अंधविश्वास में मर जाने के बाद फिर उनकी समाधि पर चंवर ढुलाए जाते हैं ताकि मक्खी ना बैठे। तब उन इष्टों की क्या दुर्दशा होती होगी जिन्हें बार बार भोग खिलाकर मल त्यागने हेतु दौड़ जंगल भागना पड़ता होगा, क्योंकि वहां उनके खाने पीने सोने जागने की तो पूरी सावधानी समय का ध्यान रखा गया। मंदिरों में या गुरुओं के लिए सारी व्यवस्था जीवित में जैसे रखते थे, मरने पर वैसे ही करते हैं, खूब प्रकार से खाना पिलाना, मिलाना, धुलाना। लेकिन उनके लिए सारी बातों की भी समय है, दातुन कराने का, नहलाने का, कपड़े बदलने का, गर्मी सर्दी के कपड़े अलग हो, सब कुछ है। लेकिन उसके खिलाने के बाद जो पेट में जब दबाव आएगा अंदर से, उसके लिए कोई रास्ता नहीं रखा है। फिर वो अपने सिंहासन पर बैठकर हवा निकालेंगे, सिंहासन पर बैठकर ही मल मूत्र का त्याग करेंगे या जंगल भागेंगे, क्योंकि अटैच लेटरिन बाथरूम तो अतिथियों के लिए है, पुजारियों के लिए है, अटैच लेटरिन बाथरूम मिलेगा। इन ठाकुर के लिए, बेचारे के लिए, और खाना दिन में 3 बार 4 बार, कभी रबड़ी तो कभी श्रीखंड तो कभी हलवा, इतनी चीज़ें खिलाया तो ये हगामू तक कि क्यों ये व्यवस्था नहीं। जब खाने की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है, समय समय पर हम पान बिड़ा दिया जाएगा, सर्दी गर्मी के कपड़े भी बदले जाएंगे, लेकिन लेटरिन बाथरूम के बारे में कभी कोई विचार नहीं करता। तो ये विचारों की जड़ मूर्ति कभी कुछ खाती नहीं, अगर खाती होती तो उसका मल मूत्र भी जरूर बनता, प्रत्यक्ष बात है। क्योंकि अन्न का तीसरा परिणाम मल है, अन्न से मन बनता है और मांस बनता है और मल बनता है। खाए पिए अन्न जल का अंदर जाकर 3 विभाग होता है, अन्न के सूक्ष्म भाग से मन, मध्यम भाग से मांस और स्थूल भाग से मल बनता है। ये जो MBS सिस्टम करते हैं तो उनका अन्न का पूरा अभाव हो जाता है, ये अन्न का, इसलिए उनके वजन ऑटोमेटिक
50 है, 10, 40, जिस जिसका जितना अधिक है वो निकल जाता है। तो अन्न से क्या क्या बना? मन बना, मांस बना और मल बना। तो तुम्हारे ठाकुर खाते हैं हलवा पूरी दूध मलाई खाते हैं, उससे उनका मांस का वजन भी बढ़ना चाहिए और उनका मल भी निकलना चाहिए। न तो वजन बढ़ता है न उनका मल निकलता है, तो फिर वो खाते ही नहीं है। तुम्हारा ये केवल अंधश्रद्धा है कि हमारे भगवान खा रहे हैं, कि हमारे गुरु खा रहे हैं। बिछाने को देते हैं किंतु अन्न जल का स्थूल परिणाम मल मूत्र का तो विचार ही नहीं करते कि वह कहाँ बैठकर मल मूत्र करेंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि उनके इष्ट चेतन शिव नहीं अपितु शव हैं। यदि चेतन मानते तो प्रातः संध्या निश्चित समय मल विसर्जन क्रिया से अभिनय अवश्य कराना चाहिए था। करोड़ों का मंदिर बनवाते हैं, मूर्ति बनवाते हैं, पुजारी व भक्तों के लिए उनके कमरे में ही लैट्रिन बाथरूम साथ होता है, लेकिन भगवान जी के लिए सुलभ शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। भला जिस श्रद्धा विश्वास एवं मूर्ति के सम्मुख भावना से ब्रश साबुन वस्त्र आदि एवं अन्य जल भोग अर्पित करते हो कि वह खाता है, तो फिर मलमूत्र की भी भावना करनी सच्ची भक्ति होती। मलमूत्र नहीं तो डॉक्टर को बुलाकर उपचार करने का भी अभिनय करना चाहिए, जैसे कि पूरी मंदिर में जगन्नाथ मौसी के घर जाते हैं, वहाँ बीमार हो जाने पर वैद्य आकर उपचार का नाटक करता है। ग्रंथ साहिब को एक धर्म पुस्तक ग्रंथ साहिब जो एक धर्म पुस्तक है उसके सम्मुख सुबह उठकर दतौन पानी पात्र रख देते हैं। वहाँ कोई नहीं है उनके उपयोग के लिए। नानक मूर्ति होती तब तक तो ठीक था, किंतु जो सामग्री सेवा चेतन प्राणी को अर्पित की जाती थी या की जानी चाहिए वह अब एक जड़ धार्मिक पुस्तक के पास रखी गई है। पागलपन की भी कोई सीमा है। उस स्थान को प्रतिदिन 15 से 20 लीटर शुद्ध दूध से धोया जाता है, फिर जल से धोया जाता है। बेचारे नानक देव को कभी दूध से नहीं नहलाया गया, न वे इस बात को स्वीकार करते, बल्कि अपने भक्तों को कहते कि भाई इतना दूध तो गरीब बच्चों को पिला दो तो उसे अपने सच्ची भक्ति को स्वीकार करूँगा, पूजा नहीं मानूंगा। जैसे कि कृष्ण कहते हैं मैं ज्ञान यज्ञ द्वारा ही अपनी पूजा मानूंगा, पत्र पुष्प फल जल भोग द्वारा मैं अपनी भक्ति पूजा नहीं मांगता हूँ। हाँ, चेतन जीवित प्राणियों को दिया गया जल फल पत्र मैं ही प्रीतिपूर्वक ग्रहण करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यु हृतम स्नामी प्रयतात्मनः। भक्त घरों में पुजारी मंदिर में यही कर रहे हैं, मूर्ति को सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, स्नान चंदन वस्त्र पहनाते हैं, भोग रखते हैं, उठाते हैं सुलाते हैं, न मालूम क्या क्या करते हैं। हे भक्तों, इन मन कल्पित खेल खिलौनों से कब तक तुम खेलते रहोगे? इन खेलों से कब छूटोगे? छोटे बच्चे जैसी बचकानी बात हो गई। छोटे बच्चे अपनी गुड्डा गुड्डी को संभालते फिरते हैं, फिर सजाते हैं, फिर अटैची में बंद करके रख लेते हैं। तुम बूढ़े होकर भी राम कृष्ण गणेश दुर्गा लक्ष्मी की कल्पित मूर्ति के साथ बच्चों जैसी गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलते रहते हो। पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को शर्म तक नहीं आती। भक्तों को लगता है यह हमारी ऊंची भक्ति है, यह तो हमारा प्रेम है, यह तो बहुत ऊंची बात है।
याद रखो, यह तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें मुक्त नहीं होने देगी। फिर तो जिनका शतरंज, चौपड़, ताश, तीरंदाजी, क्रिकेट में मन लगा है, वे भी ठीक हैं। हाँ, इन खेलों में मन को बहलाया जा सकता है, परंतु परम शांति को आत्मा को जाने बिना कभी नहीं हो सकेगी। बस आज इतना ही। तो ये सब जो परमात्मा के नाम पर अपने साधना कहो, अंध साधना चल रही है, इनके द्वारा तुम्हारा मन का बहलाव हो सकता है। खेल जैसे शतरंज, चौपड़, क्रिकेट का है, वहाँ मन लग जाता है, तुम्हारा इस खेल में मन लग जाता है, लेकिन कल्याण तो तभी होगा जब तुम अपने आत्मा को पहचानोगे। किसी गुरु की शरण में जाकर आत्मा को जानना है। आज सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब निरोग रहें, सबको सुख पहुंचाने की, सबको सुख पहुंचाने की हम चेष्टा करते रहें, हम चेष्टा करते रहें, सबको निरोग रखने के लिए, सबको निरोग रखने के लिए चेष्टा करते रहें, चेष्टा करते रहें, सबको प्रसन्न रखने के लिए, सबको प्रसन्न रखने के लिए चेष्टा करते रहें, किंतु हमारे द्वारा, हमारे द्वारा मन वचन कर्म से, मन वचन कर्म से किसी को दुख न पहुँचे, किसी को दुख न पहुँचे, किसी को हानि न पहुँचे, किसी को हानि न पहुँचे, किसी को कष्ट न पहुँचे, किसी को कष्ट न पहुँचे, यदि हमारे द्वारा, यदि हमारे द्वारा किसी को कष्ट मिल रहा है, किसी को कष्ट मिल रहा है, हम उससे क्षमा चाहते हैं, वो हमें क्षमा कर दे, अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, सभी हमारे मित्र हैं, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण, सबका कल्याण, ओम शांति शांति शांति। आज के प्रसंग में जो भी समाज में पूजा पद्धति चल रही है, उस संबंध में जो कहा गया है, वह शास्त्र प्रमाण से ही कहा है, इसलिए कोई बुरा न माने, बुरा लगा है तो मैं क्षमा चाहता हूँ।